हाय गाइस, वेलकम टू विधान किचन। आज मैं अपनी किचन में लेकर आई हूँ साग रेसिपी। कुछ लोग इसे भाजी कहते हैं, कुछ लोग इसे साग कहते हैं, कुछ लोग हरे पत्ते की सब्जी कहते हैं। तो मैं आज इसे बताऊंगी कि इसे मैं इजी तरीके से किस तरह से बनाती हूँ। लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगता है, पर मैं इसको इजी वे से बनाऊंगी। आई होप सो आप लोगों को पसंद आए। तो देखिए, ये भाजी है और इससे पहले हम छीलेंगे। अब आप कहेंगे इसमें छिलका कहाँ से है। इसमें छिलका इस तरह से निकलेगा, ये रेसे हैं, इसमें रेसे निकलेंगे ये, और इस तरह से हम इसे ऐसे डाल देंगे। इसी तरह से हम सभी एक एक करके सभी भाजी को ऐसे छील लेंगे। फिर मैं इसे अच्छी तरीके से 3 से 4 बार अच्छी तरीके से वॉश करूंगी। मैं एक बार और अच्छी तरह से आप लोगों को बता दूं कि इसे इस तरह से तोड़ना है इसकी हार्ड पार्ट को, और ये जो रेसा है ये इस तरह से निकलेगा। इस तरह से हम तोड़ लेंगे और ये सॉफ्ट पार्ट हम पॉट में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये भाजी के रेसे मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब ये भाजी जो है, साग जो है, हम इसे अच्छी तरीके से 4 से 5 बार इसे वॉश करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके रेस या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सारे अच्छी तरीके से निकल जाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 4 टाइम्स वॉश कर लिया है। अब ये लास्ट स्टेप से सारा अच्छी तरह से रेत वगैरह सब बाहर निकल गया है। तो अब मैं इसे छान लूँगी। फ्रेंड्स, साग भाजी अच्छी तरह से वॉश हो गया है। अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने इसे कट क्यों नहीं किया। जी नहीं, हम इसे बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि मैं इजी तरीका लेकर आई हूँ, तो मैं इसे इजी वे से बनाऊंगी। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। मैं इसमें कोई तेल या तड़का वड़का नहीं लगाने वाली हूँ। मैं ये भाजी को पहले स्टीम करूंगी। तो स्टीम करने के लिए मैं इन भाजी को कढ़ाई में ऐड कर दूंगी इस तरह से। सारी भाजी को अच्छे तरीके से कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। इस तरह से इसे ढक देंगे। भाजी 2 मिनट तक स्टीम करने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, भाजी जो है वो थोड़ा स्टीम होकर इस तरह से दिखने लगेगी। तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड हम इसलिए करेंगे ताकि भाजी का जो अपना पानी है वो इसमें अच्छे तरीके से छोड़ देगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से लो फ्लेम में स्टीम होने के लिए रखेंगे, जब तक कि भाजी अच्छी तरीके से अपना पानी नहीं छोड़ देती है। इसके बाद हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। तो ये 10 मिनट के लिए, या जब तक पानी अच्छी तरह से नहीं निकाल देता साग, तो हम लो फ्लेम पे इसे छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि साग ने कितना पानी छोड़ा है। तो ये देखिए, साग ने पानी छोड़ दिया है। ये देखिए, साग ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इस स्टेज पे टोमेटो ऐड करेंगे। ये टोमेटो है, टोमेटो मैंने 5 टोमेटो लिया है मीडियम साइज के। तो साग में अगर आपको टोमेटो पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर खटाई यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंगो अमचूर पाउडर, या फिर आप नींबू का जूस यूज़ कर सकते हैं। बट नींबू का जूस आप लास्ट स्टेज पे ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से पकने के लिए ढक देते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि साग का क्या हाल है। ये देखिए,
टोमेटो भी अच्छी तरीके से पक गया है और भाजी अच्छी तरह से गल गई है। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत क्या करना है, आपको कलछी से अच्छी तरीके से इसे ऐसे क्रश करना है, भाजी को क्रश करते जाइएगा और जितना पानी हो उसके अकॉर्डिंग आप फ्लेम को लो और हाई या फिर मीडियम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम कर रही हूँ, मैं तो मैं मीडियम फ्लेम पे इसे पका रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से क्रश करूँगी कलछी की हेल्प से। तो इसे 4 to 5 times या जितना आपको लगता है कि इसे और बारीक करना है उस हिसाब से आप इसे क्रश कर लीजिए और तब तक जब तक इसका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता, फिर जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे इस तरह से। अब इसे ढक देते हैं, थोड़ी देर में फिर करेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं कि अब साग का क्या हाल है। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अभी मैं इसे बाहर निकाल के तड़का लगाती हूँ। हम भाजी को निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। कढ़ाई हीट हो रहा है, अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगी। आप तड़का में मस्टर्ड ऑयल यूज करें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इससे टेस्टी आता है। तो फ्रेंड्स अगर आप साग बना रहे हैं तो मैं टोमेटो ही रिकमेंड करूंगी कि आप टोमेटो ही खटाई में यूज़ करें क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ता है। तो तड़का के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और ये हीट हो गया है। अब मैं इसमें मेथी दाना और ये रेड चिली यूज़ करूँगी। तो आपके पास जो भी चिली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूँगी क्योंकि मुझे इसका रेड चिली ज़्यादा बेटर लगती है। तो मेथी दाना और रेड चिली मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो गार्लिक ऐड कर सकते हैं, मैं गार्लिक ऐड नहीं करूँगी। मेथी दाना ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें हींग ऐड करूंगी। आप चाहे तो गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है। मैं कभी भी साग बनाने में गार्लिक यूज़ नहीं करती हूँ, हींग अच्छी तरह से खुशबू देने लगे, अच्छा अरोमा आने लगे तो हम इस स्टेज पे भाजी ऐड करेंगे। साग रेडी हो गया है, तड़का भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे ताकि हमें सर्व करने में आसानी रहे। ये देखिए हमारा साग रेडी हो गया है। फ्रेंड्स इसे कहीं कहीं चौलाई की भाजी कहते हैं, चौलाई का साग कहते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। कोई भी ग्रीन लीव्स, लाल साग, हरा साग सभी हेल्दी होते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया है वीडियो में, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई अदर प्रोसेस है या फिर अदर आइडिया है साग बनाने का तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। और फ्रेंड्स
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरी चैनल विधान किचन को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।